Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. करो करो आप भी तैयार कर लो अपना हो गया तैयार सबसे पहले तो भाई आ जाओ जितना भी मेरा भाईचारा है आज जोड़ के सबसे पहले धन्यवाद करूं हूं मनीष ऐसे भाई देखे जो बीकानेर के भाई आ रहे हैं भादरा के भाई आ रहे हैं राजस्थान के बहुत दूर दूर के भाई आ रहे हैं सबसे पहले भाई ना तो मैं कोई नेता ना मैं कोई मंत्री और ना ही इनमें मेरे तो कोई बेनिफिट होना ये सब प्यार प्रेम आ रहे हैं उससे दूसरी बात ये आप लोगों को पता हमारे को किस लिए बंद कराया गया था हमारे साथ क्या सलूक हुआ अंदर मैं और मेरा भाई अपने अगर आप खुद बता दे तो बढ़िया एक बारी पहले मैं पूरी बात बता दूं अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं ना उसके बाद पूछना जी जी सबसे पहले तो सपना चौधरी एक भाजपा अभिनेत्री जिसको मैंने जन्म सॉरी बच्चा होने की बधाई दी थी उस बधाई के बाद मेरे पास कॉल आई अपने आप को असिस्टेंट बता रहा था सपना चौधरी का कि भैया पोस्ट काट दे या फेक है मैंने बोल दिया मैं वह पोस्ट डालता हूँ जो ओरिजिनल होती है अगर ये फेक आप मेरे पे केस कर सकते हो जाकर और वो बच्चा भी हुआ और वो बात कंफर्म भी पाई लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे पे केस किया किस बात का केस किया शुभकामनाएं देने का अरस चिकारा ने सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाएं दी थी शुभकामनाएं का मेरे पे केस होया उस केस में मेरे को अंदर डाल दिया अंदर डालना किस कारण है अंदर डालने का कारण ये था उनकी सरकार है उनकी अच्छी चलती है उनकी अच्छी पकड़ है हमें काम आदमी है हमारे पास कुछ नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि समाज सेविका कौन होता है समाज सेविका सिर्फ समाज होता है भाईचारा होता जो हमारे साथ यहाँ खड़ा हुआ है इसमें सबसे मेन कारण हरासमेंट करना था अंदर डाला जब हम अंदर गए जेल के अंदर हालांकि जो थाने की प्रशासन थी उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे को कोऑपरेट कराया और हमारे साथ एक नंबर का व्यवहार किया उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं थी लेकिन जब हम जेल के अंदर गए तब हमारे को पता चला हमारे साथ क्या षड्यंत्र हो रहा मेरे को और मेरे भाई नवीन मायना पंगाल को दोनों को एक स्पेशल सेल में डाल दिया जिसमें ना ही पानी की सुविधा थी ना ही बिजली थी ना ही कुछ भी था हर 15 मिनट में प्रशासन हमारे को आता था परेशान करता था लगातार 4 दिन हो लिए 4 दिन से हम अंदर हैं 4 दिन तक ना ही तो हमारे को सोने दिया ना ही हमारे को बैठने दिया ना ही हमारे को उठने दिया ना ही हमारे को कुछ खाने का दिया हमारे साथ वो सलूकी की गई है जैसे कि हम सबसे बड़े इस सृष्टि के आतंकवादी हाँ हमने घोर अपराध कर दिया उससे दूसरा अगर प्रशासन वालों से हम पूछ रहे थे जेल के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं ये हमारे साथ ऐसी सलूकी क्यों करी जा रही है तो उनका जवाब यह था तुम कांडी ऐसा करका रहे हो सरकार तक क्यों पंगा ले थे यानी कि हमने कभी नेत्री को शुभकामनाएं दे दी बेटा होने की इसमें सरकार से पंगा लेना क्या हो गया इसमें सरकार का क्या रोल हो गया मेरे पे जो FIR दर्ज हुई थी वो आज से भी कम 15-20 दिन पहले हुई थी लेकिन मेरे को त्यौहार के ऊपर ही जेल के अंदर क्यों डाला इसका कारण ये था बड़ौदा उपचुनाव जो उपचुनाव था उसका सरकार को इंतजार था मैं रहने वाला सोनीपत का हूँ और जो बड़ौदा सीट आती है वो सोनीपत के अंदर आती है वहाँ चुनाव था वहाँ उस चुनाव का सरकार खेल खेलना चाह रही थी क्योंकि इसके साथ बहुत सारे भाईचारा जुड़ा हुआ कभी इसको पहले अंदर डाल दे कोई ना कोई बड़ी दिक्कत ना हो जाए जैसे ही मैंने 24 घंटे पहले बता दिया था अब सरकार निर्दोषों पर केस लगाएगी जैसे ही भाजपा का चुनाव हारी चुनाव हारते ही हमारा बुलावा आ गया थाने पर और वह भी किस दिन दिवाली से ठीक एक दिन पहले मेन मकसद था हमारे को तोड़ना हमारे को हरासमेंट करना हमारी दिवाली अंदर मनवाना उससे दूसरा 4 दिन तक हमारे साथ वो बदसलूकी हुई है एक मार पिटाई तो हुई नहीं उससे अलग इतनी बड़ी इतनी ज़बरदस्त हरासमेंट हुई है हमारे को अंदर जाने से कोई दिक्कत नहीं थी ना ही हमारे को अंदर जाके कुछ मैं सरकार को कुछ फ़ायदा होना था लेकिन मेन बात थी हमारे को टॉर्चर करना हमारे को हरासमेंट करना या तो आप सरकार की बातें मानो अगर सरकार के खिलाफ आप जब भी बोलोगे ना कोई भी बोलेगा उसको ऐसे ही अंदर डाल देंगे सिर्फ और सिर्फ मुख्य कारण यही था आज हम बाहर आ गए बाहर आने के बाद हमारा भाईचारा हमारे साथ है सारे पत्रकार साथी बंधु हो मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से और एक साथियों के माध्यम से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ इस भारत में आज से पहले किसी को शुभकामनाएं देने पर केस लगा था
किसी को लगा था क्या? हर्ष भाई हमारे को लगा है भाई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा सरकार ने हमारे पे केस लगा दिया, कांग्रेस सरकारी हमारी कांग्रेस सरकार हमारी है नहीं, किसी सरकार से हम ताल्लुकात नहीं रखते, तो हम न्याय लेने के लिए किसके पास जाएं? क्या कोई पूछने वाला उस भाजपा भी नेत्री से, उस मैडम जी से, क्या कोई पत्रकार ये इंटरव्यू लेने वाला ये पूछने वाला, मैडम जी आपने कैसे केस लगवा दिया? अगर एक भी वीडियो, एक भी फोटो, एक भी कोई ऑडियो क्लिप ये साबित कर दे कि हर्ष चकारा ने दुर्व्यवहार किया, अखबार में हम गुंडे बना दिए, अखबार में ये दिखाया जा रहा है हमने दुर्व्यवहार किया, क्या हमारा घर परिवार, मेरा बाप एक खेती करने वाला किसान, उससे जाके मेरे गांव के ये पूछते होंगे तेरे छोरे ने के पवाड़ा कर दिया, यो देख अखबार में क्या रहा, मेरा बाप क्या फील कर रहा होगा, मेरा बाप अंदर ही अंदर क्या सोचता होगा, मेरी पत्नी, मेरा छोटा बच्चा, उनसे जाके ये सवाल जवाब करते होंगे आपके पति ने एक औरत के साथ दुर्व्यवहार किया, वैसे वो समाज सेवी बन रहा। मैंने वीडियो आज भी सुन लेना, वीडियो के अंदर भी बहन बोला है सपना चौधरी को, अगर किसी को बहन बोलना घोर अपराध है, अगर किसी को शुभकामनाएं देना घोर अपराध है, तो मेरे को ये बता दो फिर ये ही चीजें अपराध हैं। हर्ष भाई जो हमने आपकी वीडियो दिखी थी, आपने उसमें पीलिया देने तक की बात कही थी, लेकिन उसमें बहन का शब्द कहते कि सबसे बड़ा शब्द माना जाता है हमारे हरियाणा में, उसके बाद भी इस तरह की हरकतें, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है उनका। सारे भाई, सारे समाज सेवी, सारे कलाकार यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, विकासी सर समाज सेवी भाई, बबलू मिर्चपुर समाज सेवी भाई, मेरा भाई राखियाड़ा समाज सेवी भाई, और भी घने भाई हैं जो इतनी दूर दूर तारे जितने यहाँ सब समाज सेवी, पीछा दे के भीड़ नहीं बुला रहे किया, यहाँ पर कलाकार मेरा खुद का भाणजा नवीन नारू, नहीं ये क्या और सपना का मैं बताता हूँ, वो बातें आपको बताता हूँ, प्रवीण पुनिया पण यार यहाँ पे ये सब हैं, ये इतने साथी स्पोर्ट में आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, समाज सेवी आ रहे हैं, मैं बताता हूँ ये स्टंट क्या था, सीधी बात क्या थी, शादी की और बच्चा होने की ये बातें पर सबसे इसलिए छुपाई जा रही थी कदे थारी मार्केट वैल्यू ना गिर जा। अरे यार गजब की बात है, एक औरत बच्चा पैदा करती और उसको एक्सेप्ट नहीं करती, कैस हमारे पे थोपा जा रहा है क्या? आप लोगों के अंदर से कोई सवाल जवाब उनसे करने वाला, और कई पत्तल चाट जिनको कोई काम नहीं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैंने भारत ही सबसे पहले उनकी वीडियो देखी, वहां बैठ कर टेबल पे खाक उनके चाट पकोड़े उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं थारा देसी फलाना, मैं मांगने वाले है, सीधी बात ये है, आसमान का थूका मुंह पे गिरेगा, चाहे कोई भी हो भाई हमारा दुश्मन, सबको करारा जवाब मिलेगा, अरे को करारा जवाब मिलेगा, अरे को भाईचारा भाईचारा। एक बात और, ना ही तो हम किसी सरकार से डरते हैं, ना ही हम किसी अभिनेत्री से डरते हैं, ना ही हम किसी के दबाव में रहते हैं, उससे अलग जो भी प्रशासन है, प्रशासन पे हमें यकीन है, हमारे साथ जो भी फैसला होगा 100% आज कहता हूँ 2-4 महीने में बरी हो जाएंगे, कसम खा के कहता हूँ, जूती नहीं तड़वा दी ना सोनीपत कोर्टा में, हर्ष चकारा नाम बदल दियो, ये बात ने रिकॉर्ड कर लियो, जूती सपना। और वीर साहब जी को क्या कहना चाहोगे अब आप? देखो उनको मैं तो क्या कहूंगा, उनने तो कर लिया जो करना था, उनकी पहल है खत्म हम कराएंगे, सीधी बात ये है, उनको जैसा होता ना, उनकी ये पहल है और खत्म हम कराएंगे, दूसरी बात ना ही तो हम कोई ऐसा कोई भी काम नहीं कराएंगे कानून तोड़ने वाला, ना ही हम ऐसा कोई काम करेंगे हमारे पे लांछन लगे। और ये भाईचारे से भी विनती भाई, मैंने कई वीडियो देखी आते, कई भाइयों ने पुतले वगैरह भूखे जो कुछ भी करा, रिक्वेस्ट है जब इतना भाईचारा, इतना बड़ा परिवार जिसके साथ हो, वो बहुत कुछ कर सकता है, सैकड़ों गाड़ियाँ रात को यार लेने के लिए आई है, कोई नेता मंत्री थोड़ी, ये सब भाईचारा है। और इस भाईचारे पर नाच करा भाई, हरेक साथी हरेक भाई यहाँ से उल्टा आप अपने घर आ जाओगा, या रिक्वेस्ट है जो भी साथी दूर दूर के आ रहा, ना तो मैं मिल पाऊंगा, ना सारे भाइयों ने भाई नेम जानता, तो या एक रिक्वेस्ट है भाई, मेरा फोन थाने में जमा हो रहा है, पर्सनली सबको फोन करके नहीं कह सकता, आप सभी यहीं से आप अपने घर चले जाओगे। आगे का सर अब क्या प्रोसेस रहेगा? आगे का प्रोसीजर ये है भाई, सबसे पहले तो एक मेन बात रहेगी जो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जी, वीर साहू भीड़ जोड़कर मैम के अंदर घूम रहा था जी, पहली बात तो वो किसको दिखा रहा था वो भीड़, उसका झगड़ा किसके साथ था, अगले का नाम तो लेना चाहिए था भाई, नैम जिससे मिलने के लिए जा रहा,
और जिससे भी वो मिलने के लिए जा रहा वो खुद उसके गांव में खड़ा होकर उसने ललकारण लाग रहा है भाई तू अपने गांव में उस पे और उसके साथ ये जो चुटरू मुटरू ये जो फेसबुक ये वे है ना गुंडे वे इकट्ठे हो रहे थे वे फेसबुक ये गुंडा ने तो यो केस करवाया है वो फेसबुक ये गुंडा ने इसकी जात पिटवाई है वहां मैम थाने में 70 आदमी यहाँ पर केस दर्ज हो रहा है वीर साहु पे और उसके साथ घूमने वाले उसके वे जो भी गुंडे थे ना जितने भी उन 70 गुंडा पे केस दर्ज हो रहा है किराए वाले गुंडा पे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई सरकार ने या प्रशासन ने उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की उनकी एक आदमी की भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई मुँह जबानी सब के नाम मैं बता दूंगा मेरे पास लिस्ट है मैम थाने में SHO साहब के पास मैं जाऊंगा अपने बुजुर्गों को लेकर पेश होऊंगा और उनसे पूछूंगा भाई इनको जेल के अंदर क्यों नहीं डाला वे तो भीड़ तो जोड़ रहे थे सब कुछ कर रहे थे मन्ने कौन सी भीड़ जोड़ी थी मन्ने किसको धमकी दी थी ये सरासर एक तरफा सरकार पक्षपात कर रही है सरकार दोनों पति पत्नी की मेर ले रही है उनको जेल के अंदर नहीं डाल रही दूसरे पक्ष का कहना है कि पर्सनल इंटरफेयर किया है हमारी जिंदगी में मतलब हमने बताया था धमकी बाद में दी है धमकी वमकी नहीं दी पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा था ऐसा पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा था भाई नहीं करता मैं भी फैन हूँ ऐसे फैन मैंने एक मुबारकबाद दी यार मैं रस चिकारा हूँ मैं गाड़ी ले आया और तुम 500 आदमी मेरे को शुभकामनाएं दे देते हो अगर रस भाई गाड़ी लाने के लिए शुभकामनाएं मैं थारे पर केस कर दूँ आगे शुभकामनाएं देने पर केस कर दूँगा तुम मेरे चाण आ रहे हो तुम मैंने ठास को तब 28 को सवाल जवाब तुम मत करोगे वीर साहु की कौन सी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करया तो अर्श भाई ये अभी वीर साहु ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं अर्श चिकारा जो है वो राजनीति में आने के कयास जो लगाए जा रहे हैं कहीं ऐसा कुछ अंदेशा है इस बारे में ऐसा है राजनीति में आने के जो कुछ भी वे सूत्र लगा रहे हैं मैंने उनके पास आने की क्या जरूरत है भाई ना ही तो मेरा हल्का लगता ना ही मेरा गांव लगता है ना ही मेरे वे दौड़ में उनका अपना अलग काम है हमारा अलग काम है सीधी बात ये है मैंने यहाँ जेल जाने से पहले एक दिन एक वार किया आश्रम 2 बॉबी देओल की बाबा एक ही कहानी वह देखी थी उसमें सफलता की कुंजी पता क्या कहती है समाज सेवी आदमी की कोई इज्जत नहीं होती इज्जत होती है नाचने वालों की जैसे कि आश्रम 2 में टिंका सिंह की थी पूरी चल थी ना वो काम टिंका सिंह की तो चलन लग रही है मारे वर्गे रोडा बांटे हैं अरे ये कहे इलेक्शन मान की फलाना दकड़ा खुद तो किसी न किसी पार्टी तो हो गए अपनी तो कोई इच्छा नहीं कोई मन में नहीं अग भाई हमने चुनाव लड़ना क्या करना दूर दूर तक नहीं अपना काम समाज सेवा करना 17 तारीख ने भी एक छोरी बहनी थी फोन जमा रहनी हुई नहीं बेरा मन कून बहनी मेरे भैया तक कह के गया था भाई ब्याह दियो 22 तारीख ने फिर एक छोरी बहनी हमारे काम ये हैं इससे ज्यादा नहीं और भाई बाकी ये जो आश्रम 2 बना रहे हैं बाबा जाने मन की बात सीधी बात ये है जी ना काट देंगे सारे डाला आगा थारा है पाछा महाराज जी वर्जी करो भाई की बात और सुनो आप मदद कर चुके आप।